अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बायस्ड एक गुणिष्ठ के बारे में पढ़ना है कि बायस्ड एक गुणिष्ठ क्या होते हैं, ठीक है। एंड एक गुणिष्ठ दैट एक्टिवेट्स द सेम रिसेप्टर एज अदर ड्रग्स इन इट्स ग्रुप बट आल्सो कॉजेज एडिशनल डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स दैट आर नॉट सीन विद अदर एक गुणिष्ठ इन द ग्रुप। ये वो एक गुणिष्ठ और ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो सेम रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं लेकिन डिफरेंट इफेक्ट जो है वो कॉज करते हैं। बायस्ड एगोनिस्ट को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये है हमारे पास बीटा रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ठीक है। इसको हम बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इसकी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर, ठीक है। ये है जी बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट जिनको हम बीटा एड्रिनर्जिक एक गुणिष्ठ भी कहते हैं। ये एक क्लास ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स है, यानी ये स्टिमुलेट करती है मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है। इस क्लास में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स आते हैं। मैंने सिर्फ तीन की एग्जांपल दी है जिसमें हमारे पास आ रहा है डोब्यूटामिन, एल्ब्यूटरॉल, मिराबेग्रोन, ठीक है। इन सब ने बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है लेकिन अफेक्ट डिफरेंट कॉज करने हैं, ठीक है। डोब्यूटामिन बीटा रिसेप्टर मेनली बीटा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और इंक्रीज करेगा कार्डिक आउटपुट को, और ये हम सीवियर कार्डियोजेनिक शॉक में या सीवियर हार्ट फेलियर में देते हैं, ठीक है। एल्ब्यूटरॉल बीटा रिसेप्टर मेनली बीटा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाएगा, और हम इसको ब्रोंकोडायलेटर्स के तौर पर भी देते हैं, ये एयरवेज को खोलता है, ठीक है। मिराबेग्रोन बीटा रिसेप्टर मेनली बीटा 3 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और ये ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर में इस्तेमाल होता है जब हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे ड्रग हमारे पास बायस्ड एगोनिस्ट हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं और बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं लेकिन ये अफेक्ट जो है वो डिफरेंट कॉज करते हैं।